क्लास टेंथ साइंस सैंपल पेपर का क्वेश्चन नंबर 18 है, विच डायग्राम शोज इमेज फॉर्मेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अ स्क्रीन बाय कन्वर्जिंग लेंस। तो आपको यहाँ पे एक चीज़ बताना है, क्या बताना है आपको, बहुत अच्छे से सुनेंगे मेरी बात को। आपको बताना है कन्वर्जिंग लेंस किसको बोलते हैं, कॉनकेव लेंस या फिर कॉन्वेक्स लेंस। आपको यहाँ फिगर देखने को मिल रहा है यार, कोई झंझट नहीं है, आप बता सकते हो, तुरंत से तुरंत बता सकते हो, अच्छी बात है। चलिए वो देखते हैं हमें यहाँ पर कन्वर्जिंग लेंस के थ्रू क्या क्या शो करता है। उससे पहले हमें कुछ हैशटैग रूल पढ़ने होंगे। हैशटैग रूल्स क्या होता है आपको पता है, आपको पता है, हमें तो बहुत कुछ पता है सर, आप बताना किसके बारे में चाहते हो। कि अगर कोई भी लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है, अगर कोई भी लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है, ठीक है, कैसे जाती है, पैरेलल जाती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो कहाँ से पास करेगी, फोकस से होते हुए गुजरती है, ठीक है, पहला रूल है। और हमें पता है कि अगर कोई ऑप्टिकल सेंटर से गुजरती है, ये क्या होता है, ये पॉइंट जो होता है हम लोग का ऑप्टिकल सेंटर होता है, तो अगर कोई भी रे ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है तो वो स्ट्रेट लाइन फॉलो करता हुआ चली जाएगी, ठीक है। यहाँ पे स्ट्रेट लाइन नहीं बन रहा है, अलग बात है, कहीं मजाक नहीं उड़ाएंगे आप लोग मेरा, ठीक है। तो एक तो होगा कि अगर हम लोग का क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल से पास कर रहा है तो फोकस से होकर गुजरेगा, और अगर वो ऑप्टिकल सेंटर से जा रहा है तो स्ट्रेट लाइन फॉलो करता हुआ और ये सामने की तरफ चला जाएगा, ठीक है। इसी तीनों के बेसिस पे, इसी दोनों के बेसिस पे आपका सारा का सारा सॉल्यूशन हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें देखिए ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया है, ऑप्शन ए दिया हुआ है कि यहाँ पे आपका जो कन्वर्जिंग लेंस बना हुआ है उसमें आपको देखने को मिल रहा है कि जो इसके पैरेलल आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, पैरेलल आ रहा है प्रिंसिपल एक्सिस के, लेकिन ये 2f 2 इंटू फोकल लेंथ से जा रहा है, 2 इंटू फोकल लेंथ मतलब फोकल लेंथ का डबल, और फोकल लेंथ का डबल हमें पता है क्या होता है, 2f1 आप लेते थे, एक होता था f1 और एक होता था 2f1, जिसको हम लोग प्यार से सेंटर बोलते थे मिरर वाले में, है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते थे मिरर वाले में, ठीक है। तो ये तो हमारा ऑप्शन नंबर ए तो नहीं होने वाला है, क्योंकि यहां बोल रहा है 2 इंटू फोकल लेंथ नहीं, वो फोकल लेंथ से पास होना चाहिए था, वो फोकस से पास होना चाहिए था, तो ये हमारा बिल्कुल नहीं होगा। यहां पर भी 2 इंटू फोकस, ये भी हमारा नहीं होगा। अब यहां पे हमारे पास आता है, यहां पे ये तो ऑप्शन सी होगा या तो ऑप्शन डी होगा, ठीक है। तो यहां पे आपको देखने को मिल रहा है ऑप्शन सी में कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आया है, फोकस लेंथ से पास किया है, एक रूल को फॉलो कर रहा है, फर्स्ट वाले रूल को हमें फॉलो करता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि फोकल लेंथ से पास कर रहा है, अच्छी बात है। और अगर आप देखो तो ये रे जो है वो ऑप्टिकल सेंटर से पास कर रहा है और वहां से बाद स्ट्रेट लाइन फॉलो कर रहा है, बिल्कुल बहुत सुंदर सा आंसर है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन जो होगा वही हमारा सही आंसर होगा। अगर आप डी देखो तो ये भी हमारा फोकल लेंथ से पास कर रहा है, लेकिन ये यहाँ पर करने के बाद इधर जा रहा है, ये कोई मतलब नहीं आता, ऐसा हमने आज तक पढ़ा ही नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 19 के साथ, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। और अगर आपने अभी तक कंप्लीट सैंपल पेपर का सॉल्यूशन नहीं देखा है, साथ ही साथ मैथ बेसिक और स्टैंडर्ड सैंपल पेपर का सॉल्यूशन अभी तक आपने नहीं देखा है, तो कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए फटाफट से आप देख सकते हैं।